हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी के बारे में, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी कब और कैसे पहुंचे, मसूरी में कहां और कैसे रुकें, मसूरी में कहां कहां घूमें, मसूरी में घूमने के लिए कितने दिन काफ़ी हैं, मसूरी कैसे पहुंचे। अगर आप देहरादून से यहां पहुंचना चाहते हैं तो आप यहां से स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर अपना आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। ये भी मसूरी घूमने का काफ़ी अच्छा तरीका है। बाइक या स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। हेलमेट आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आप किसी अन्य स्थान से यहाँ ट्रेन के द्वारा पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो कि मसूरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या फिर बस से अपना आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। अगर आप यहां प्लेन से आना चाहते हैं तो यहां का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या फिर बस से अपना आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। यदि आप बस से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो भी आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, और आप यहां अपने पर्सनल व्हीकल से पहुंचना चाहते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं यहां कहां और कैसे ठहरे। दोस्तों, मसूरी में मॉल रोड पर रूम लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहां आपको रुकने के लिए काफ़ी होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात करें प्राइसेस की तो आपको लगभग 1500 रुपये में यहाँ ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। अगर आप मॉल रोड पे अपना रूम लेते हैं तो मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आपको खाने के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमें। बात आती है सबसे पहले कहाँ जाएं। सबसे पहले हम चलते हैं मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर दूर बहुत ही फेमस स्थान गन हिल, जो कि मसूरी का दूसरा सबसे ऊँचा व्यू पॉइंट है, जिसकी हाइट करीब 2024 मीटर है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं लाल टिब्बा, जो कि मसूरी का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है, जिसकी हाइट करीब 2275 मीटर है। गनहिल से लाल टिब्बा 4 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आप जा सकते हैं मॉल रोड से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैंपटी फॉल्स, जो कि उत्तराखंड का काफ़ी फेमस झरना है। यहाँ करीब 40 फीट ऊपर से पानी गिरता है। यहाँ आप काफ़ी सुंदर नज़ारों के साथ रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहां नहाना चाहते हैं तो अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े और टॉवल जरूर लेकर आएं। आपको यहां चेंजिंग रूम और लॉकर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसके बाद आप जा सकते हैं मसूरी झील, जहां आप बोटिंग और जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज़ का मजा ले सकते हैं। इसके बाद आप शाम तक मॉल रोड वापस आ जाएं। इस टाइम मॉल रोड का नज़ारा काफ़ी मनमोहक होता है। घूमने के बाद आप यहाँ खाना खा सकते हैं। अगले दिन आप सुबह जा सकते हैं मॉल रोड से करीब 6 किलोमीटर दूर मौसी फॉल्स, जो कि भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह है। यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। इसके बाद आप पहुंच सकते हैं भट्टा फॉल्स, जिसकी दूरी मॉल रोड से लगभग 10 किलोमीटर है। यहां पर आप कुछ फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप कुछ खाना चाहे तो खा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं क्लाउड एंड, जिसकी दूरी मॉल रोड से करीब 6 किलोमीटर है। यह जगह घने जंगलों और बादलों से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप बादलों के बीच आ गए हैं। शाम होने से पहले आप वापस अपने कमरे में पहुँच जाएं। अगली सुबह आप निकल सकते हैं यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित धनौल्टी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। यहाँ कब पहुँचें। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सितंबर से जून तक यहाँ पहुँचना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक का टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन काफ़ी रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।